किए, टाइम नहीं लगा। तो स्कूल में पढ़ा रहे टीचर ठीक ठाक? देखो अब मैं जो है थोड़ा सा ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ा नहीं होगा आपने आज तक पढ़ा। सम्मिश्र संख्याएं, अभी सम्मिश्र संख्याएं नाइन तो पढ़ा ना, नाइन्थ में? नाइन्थ में कहाँ से आ गया? पढ़े तो जी आयोटा वाली पढ़ी है? हाँ आयोटा। हाँ जी हाँ, पाँच वो पाँच अब बताया 11 का। वही तो कह रहा हूँ ना मैं, तो इसमें ये 5 लेक्चर इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक, उसके बाद 4 लेक्चर में आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वगैरह पूरा हो जाएगा। आपने अभी तक पढ़ा होगा सेट एन क्या होता है, एन किसका सेट होता है? नेचुरल नंबर के कौन कौन से संख्याएं होती है इसमें? वन से एक होता है डबल होल नंबर, नंबर इसका क्या होता है? स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक, एक आता है इंटीजर का जिसको जेड या आई से प्रेजेंट करते हैं, और माइनस इनफिनिटी से लेकर डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट। ठीक है, इसके बाद आता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ये सारे आएंगे साथ में जो पी अपॉन। एक होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर यानी कि एवरेज संख्याओं का,
में कैसे आते हैं रूट वाली क्वांटिटी आ जाती है। ठीक, और इन सभी सेट को हम बोल देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। क्या बोलते हैं? यानी कि वास्तविक संख्याओं का सेट। ठीक है, और इन संख्याओं के साथ इन सब का भी सुपर सेट होता है। अगर हम देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट किसका है? होल नंबर का। होल नंबर का सेट किसका है? इंटीजर का। इंटीजर सबसेट है किसका? रेशनल नंबर का। ये सबसेट किसके हैं? रियल नंबर के। और ये सबसेट किसका होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर जिसकी संख्या में आई पाया जाता है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक, लिखना चाहो लिख लो, अगर ये चीज आपको लगती है लिखने, नहीं लिखना तो कोई बात। नए ग्रुप में डाल देने के बाद में चल जाता है, जैसे मीटिंग में भेज रहे हैं कि मैं 12 बजे से यहाँ भी आ सकता हूँ, 12 बजे से और मौत भी 12 बजे से है, चीन 12 बजे से कितने मान x के रूट कितने होंगे। एक इक्वेशन ax स्क्वायर bx + c = 0 होती है, जहां a b c जो होते हैं
रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, एक्स की पावर मैक्सिमम टू हो सकती है, इसी को तो द्विघात समीकरण बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, भले इसमें बी इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा, ए भी है और सी भी है। तो जब इसके कितने रूट होते हैं, दो रूट होते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं बताइए, इसके रूट बताओ। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छः बराबर जीरो, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसके तो जो दो रूट हैं कैसे निकलेंगे, एक ही समीकरण से श्रीधरा, क्या फार्मूला है श्रीधराचार्य जी का, बी प्लस माइनस अंडरूट बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बटे में ए साइड। अब सुनो मेरी बात, जब भी द्विघात समीकरण हो और हम उसके क्या निकालने हो, रूट, सबसे पहले हम गुणनखंड का तरीका अपनाते हैं, मिडिल टर्म के गुणनखंड करते हैं, जैसे इसके क्या गुणनखंड होंगे, तीन दूनी छः, और गुणनखंड का भी किससे पता लगता है, हमें इससे पता लगता है, यानी कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है उसकी जो कोफिशियंट में हमेशा प्लस होना चाहिए, माइनस ये टर्म नहीं, अगर माइनस है तो उसे प्लस बनाएंगे, माइनस से गुणा करते हैं, ठीक। उसके बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म है अगर वो है प्लस की, ठीक, तो मिडल टर्म का हमेशा ऐसे फैक्टर होंगे कि मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन ए सी के बराबर हो और जो एडिशन आएगा वो बी के बराबर, ठीक। और अगर कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस में तो मल्टीप्लिकेशन तो वही ए सी रहेगी, एडिशन की जगह डिफरेंस कितना होना चाहिए, बी, समझा या नहीं समझ में? डिफरेंस अभी ये प्लस की टर्म है, टुकड़े क्या होंगे, तीन गुना दो, तीन प्लस दो हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी कारण ये प्लस एक्स हो और ये माइनस छः हो जाए, अब टुकड़े क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन तो सिक्स होनी चाहिए और डिफरेंस क्या होना चाहिए, बी बी कितना है यहाँ पे, एक है ना, तो तीन माइनस दो हो जाएगा ना, ठीक है, तो तब ये तरफ होगा। अगर ये हमारा गुणनखंड का मेथड नहीं कामयाब होता, ये हम फैक्टर नहीं कर सकते, तब हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं, और जो श्रीधराचार्य जी का जो फार्मूला है हमारा, जो रूट आते हैं एक्स वन बाय एक्स टू दोनों मामलों पर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, ये है, इसमें ना तो फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, मैं एक्स की वैल्यू कैसे निकाल लें, इससे एक्स का मान निकाल कैसे बताओ, पहले आपसे माइनस में चाहिए, हैं माइनस में आए, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिफरेंस हो रहा है, एक बार ये होता है ना, अब इसके इक्वल जीरो है, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वन, और एक्स इक्वल टू माइनस, तो रूट आए वन बाय माइनस वन आ गए ना, या नहीं आए, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू वन या प्लस माइनस
ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर लिखो पहले, अब यही के अगर हम ये क्वेश्चन प्लस वन हो जाए और जीरो होंगे या तो ऐसी कंडीशन हो, मान लिया इसके फैक्टर तो कोई हो नहीं सकते, हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट देगा दोनों साइड का, ये क्या हो जाएगा एक्स, और ये क्या आएगा रूट माइनस वन, ठीक है। और ये रूट माइनस वन होता है इसी की वैल्यू पार्ट ऑफ सर, रूट माइनस वन ये माइनस वन की होती है रूट माइनस वन की, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा, आयोटा। अब अगर आप देखते हैं आई बराबर क्या आया हमारा, आयोटा बराबर रूट माइनस, अगर इसको हम स्क्वायर कर दें आई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा माइनस वन, दोनों तरफ इसमें
सेकंड पार्ट के लिए दोनों और आई से मल्टीप्लाई कर दिया अगर आई की क्यूब इक्वल टू माइनस ठीक एक बार और आई की मल्टीप्लीकेशन करते हैं आई की फोर बराबर माइनस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन आई की पावर फोर इक्वल टू यानी कि सीधे आगे समझिए आई बराबर रूट माइनस वन आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आई की पावर थ्री माइनस आई और आई की पावर फोर इक्वल टू ये चारों वैल्यू आपको पता है आई की पावर 287 समान वैल्यू निकालना करने के लिए आई की पावर 287 कैसे निकलेगा देखो हमें क्या करना है हमें पता है कि आई की फोर कितना होता है फोर से डिवाइड कर दो और क्या सकते 28
चार एकम चार रिमाइंडर कितना आया शेष तीन बचाना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई की पावर फोर की पावर 71 इंटू आई की पावर बताओ लिख सकते हैं नहीं इसकी वैल्यू कितनी है वन वन की पावर 71 और आई की पावर थ्री इसकी वैल्यू वन टू आई की पावर थ्री आई की पावर थ्री की वैल्यू कितनी है ठीक है क्लियर है अगर कहीं ऐसा दिया हुआ हो मान लिया आई की पावर फाइव आई की पावर सिक्स आई की पावर सेवन आई की पावर एट का क्या मान होगा सबसे छोटी घात क्या है इसमें पांच नहीं ठीक है कॉमन ले लूं वन प्लस आई प्लस प्लस आई की पावर फाइव वन प्लस आई आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन आई की वैल्यू आई की वैल्यू आई की थ्री वन से वन कैंसिल आई से आई की पावर फाइव गुणा में क्या आएगा यहाँ इक्वल टू ठीक रिजल्ट क्या है इसका इससे किस रिजल्ट को पहुंचे हैं हम कि अगर आई की पावर एन प्लस वन आई की पावर एन प्लस आई की पावर एन प्लस थ्री इक्वल टू यानी कि आई की चार क्रमागत घातों का जो योग होगा उनका उनकी वैल्यू क्या होगी जीरो पहले ये लिख लो उसके बाद ये रिजल्ट यानी कि आई की चार क्रमागत घात का योग क्या होगा समझे ये कंसेप्ट आपका यही इंजीनियरिंग में यूज होता है क्यों होता है वो क्या करेगा डराने के लिए बच्चों को आई की पावर टू फिफ्टी सिक्स आई की पावर टू फिफ्टी सेवन आई की पावर टू फिफ्टी एट ठीक प्लस आई की पावर टू फिफ्टी नाइन अपॉन आई की पावर 1001 प्लस आई की पावर 1002 आई की पावर 1020 दे दिया तो पूछेगा इसकी वैल्यू क्या बचड़ रचा गया तुम देखते लग रहा नहीं भाई बहुत कैलकुलेशन लेकिन कोई कैलकुलेशन नहीं ये चारों कर्मागत टर्म है इसकी वैल्यू क्या है जीरो अपॉन ये चाहे कुछ भी आए समथिंग कुछ भी आएगा वैल्यू क्या रहेगी जीरो क्रम होना चाहिए टू फाइव सिक्स टू फाइव सेवन चार एन लिख दिया ना अगर पहला एन है दूसरा एन प्लस वन फिर एन प्लस टू एन प्लस थ्री अगर आई की पावर ये है ना 1001 1002 1003 1004 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्यों हो जाएगी वो आपने यहाँ देख लिया हमने कोई भी चार घाते ली थी पाँच छः सात आठ सबसे छोटी टर्म कॉमन आ जाएगी अंदर जो टर्म बच गई उनकी फॉर्मेट ये होगी वन प्लस आई माइनस वन माइनस आई अब जब ये जीरो हो गया तो फिर सारा ही क्या होना है जीरो हो लिखना है चलिए
लिख लिया एक और इम्पोर्टेंट चीज है रूट ए और रूट बी बराबर रूट ए बी और ए रूट ए रूट बी माइनस ये प्लस का है माइनस देखो अगर इन दोनों में से कोई ऋणात्मक है अगर कोई ए ऋणात्मक है तो बी हो या ए तब तो ये मिलेगा ठीक एग्जाम्पल टू टू माइनस थ्री है ये तब सत्य है जब दोनों ऋणात्मक दोनों कैसे हो वो कैसे सत्य है सपोज करो इसको मान लो मैं रूट टू माइनस का इसको मान लो रूट थ्री माइनस का तो इसके अनुसार क्या आना चाहिए माइनस सिक्स लेकिन कॉमनली हम क्या करते हैं अगर हमें दे दी जाए तो आना चाहिए ना ऐसे ही करते हैं हम नॉर्मली इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस कम से कम एक ऋणात्मक हो लेकिन यहाँ ऋणात्मक क्या हो गए दो तो इसलिए ये है फिलहाल हो रहा है 4 बजे 1 सेकंड 3 देर तक पड़ोगे आप तो भाई मैं 4:30 तक आया था इसका पहले पहुंच रहा नहीं 4:15 होने वाले वही मिलियो ठीक है ठीक है तो ये इसलिए इसकी बेस का इसकी वैल्यू किस तरह से आएगी इसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे
टू ऐड होने के लिए कर दी क्योंकि माइनस है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? टू माइनस वन यस सर, थ्री माइनस वन के अंदर है ना दोनों? यस सर आयोटा, तो रूट टू आयोटा यस सर, रूट थ्री आयोटा, आयोटा आयोटा की मल्टीप्लिकेशन आयोटा स्क्वायर में लोगो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और ये रूट सिक्स। भाई देखो कोई एक ऋणात्मक हो, अगर दोनों पॉजिटिव है तब तो हो ही जाएगा, तब तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन हाँ ये मिस्टेक कहाँ है, जब एक नेगेटिव है तब की हमें दिक्कत नहीं आने की, लेकिन जब दोनों ऋणात्मक होंगे और हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे वहां गलत हो जाएगा। लिखना तो नहीं है, अब जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस फॉर्म का होता है? हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी जो फॉर्म होती है वो इस तरह का होता है, जेड इक्वल ए प्लस आई बी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि ये वास्तविक भाग है। कैसा भाग है? वास्तविक, और ये काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है। जिस नंबर में आयोटा होगा उसी को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे, और आयोटा नहीं है तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? सपोज करो जेड वन बराबर ए वन आई बी वन एंड जेड टू बराबर आई ए टू, ये कब इक्वल होंगे? इफ एंड ओनली ए वन बराबर ए टू हो और बी वन बराबर क्या हो? बी टू, ये दोनों तभी इक्वल हो, अदरवाइज इक्वल नहीं, ठीक है। एक और है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें जो क्रम का गुण है, क्या का गुण है? क्रम का गुण, का गुण नहीं रखती, नहीं रखती का मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे ए वन प्लस आई बी, दूसरा है ए टू प्लस आई, ठीक है, इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये नहीं आता, समझ रहे? कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा छोटा कौन सा बड़ा ये बताने का कोई तरीका नहीं। इक्वलिटी इक्वल तो बता दिया, इक्वलिटी का तो बताया मैंने अभी, भाई ए वन बराबर ए टू, बी वन बराबर बी टू, लेकिन कौन छोटा है कौन बड़ा ये नहीं बताया जा सकता। सपोज करो अगर ये 2 प्लस आई थ्री हो और ये 3 प्लस और आई हो, हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा है, ठीक।
साढ़े तीन तक कर दूंगा, चार बजे बैच होता है तो मेरा फिजिक्स का वो छुट्टी था, वो भी कर लूँगा फिर ढाई से साढ़े तीन। चलो मैं शाम बात करते थे बताऊँगा, और कल भी बताऊँ बता दूँगा, हो सकता है छुट्टी अपने को जाएंगे मीटिंग है, क्योंकि मीटिंगें बहुत चल रही हैं। ठीक है सर, ड्राइवर का बेस्ट सही अच्छा दूसरा जो सम्मिश्र संख्याओं का हम एडिशन करते हैं, क्या करते हैं जोड़ना जो है इनका कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कैसे होता है? मान लिया जेड वन बराबर ए वन प्लस आई बी वन, जेड टू बराबर ए टू प्लस आई बी टू। ठीक, रियल में रियल जोड़ेंगे इमेजिनरी में। ठीक, यानी कि रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी, यानी कि जेड वन प्लस ए प्लस जेड टू क्या हो जाएगा? ए वन प्लस ए टू आई बी वन प्लस क्लियर। ठीक, जो काम जोड़ में है वही जोड़ में है ना, अगर घटानी हो तो रियल में से रियल घटेगा और इमेजिनरी में से, यानी कि जेड वन माइनस जेड टू क्लियर है, जोड़ हो गया घटा हो गया। यही अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो जैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन करूं मैं जेड वन जेड टू की ए वन प्लस आई बी वन ए टू प्लस आई बी टू, कैसे होगी मल्टीप्लीकेशन? ए वन इंटू ए टू अल्टा बी वन इंटू बी टू प्लस अल्टा बी टू। इनकी मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही होगी अगर मैं नॉर्मली ए वन प्लस बी वन और ए टू प्लस बी टू की मल्टीप्लीकेशन करूँ, यानी कि इनकी बीज गणित से बना, वो कैसे होती है? इसकी इसमें फिर इसकी इसमें इसकी इसमें ऐसे ही इसमें। ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही करते हैं, ए वन लिख दो पहले आयोटा ए वन बी सर बी वन बी टू आई स्क्वायर बी वन बी टू प्लस आयोटा ए वन बी वन बी टू। ठीक, आयोटा ए टू बी वन प्लस प्लस ए वन ये हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं सबसे पहले क्रम वो लिखते हैं जिसमें आई ना हो ना हो। ठीक है, इसमें आई है ए वन ए टू, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर सर तो क्या हो जाएगा माइनस वन बी वन बी टू प्लस, ये दोनों टर्म आयोटा वाली है, आयोटा ए वन ए प्लस बी टू ए वन ए वन बी टू ए टू बी वन। ठीक, इनकी मल्टीप्लीकेशन आपकी ये आप। अब इसको जो है देखने का तरीका क्या है, अगर डायरेक्ट हम मल्टीप्लीकेशन कर इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस इसकी मल्टीप्लीकेशन तो हमारा रियल पार्ट आएगा। ठीक, इसकी मल्टीप्लीकेशन और इसकी प्लस इसकी मल्टीप्लीकेशन हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है,
क्योंकि यहाँ आई आई क्या होता है, रियल बन जाता है स्क्वायर माइनस वन, तो इसकी और इसकी और इसकी इसकी मल्टीप्लीकेशन से रियल पार्ट, तो उससे इमेजिनरी पार्ट। एग्जांपल ले लो, अगर हमारे पास कोई, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे सारे हमको तो बहुत टाइम लगेगा। पहले हमारे पास है 2 + 3i, ठीक, और 1 + 2i, इनकी हम मल्टीप्लीकेशन कर लें। कैसे करेंगे, 2 × 2 माइनस 3 × 2 आयोटा बाहर, 2 × 2 3 × 3 −4 + 7 समझ गए, अगर हमें डायरेक्ट करने। अब बात आती है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, लिखना तो नहीं है, कि आयोटा की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करें। मल्टीप्लीकेशन जेड वन को डिवाइड करना है जेड टू को, ठीक है, a1 + b1 a2 + a2। इसको इससे भाग ऐसे नहीं कर सकते हम जैसे मैथ में कर लेते थे, क्यों कर लेते थे, वहां पे हम एटलीस्ट एक्स की पावर सेम करके हम उसको कैंसिल आउट कर देते, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी पावर नहीं है, तो यहाँ क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट का पता है, कंजुगेट जो होता है वो तो बोलते हैं संयुग्मी, क्या होता है संयुग्मी, और संयुग्मी कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिप्लेस आई बाई माइनस आई, दूसरा कंजुगेट क्या होगा, ए टू माइनस आई बी, ठीक है, क्या लिखेंगे उसके ऊपर, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लो, a1 a2 माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा b1, क्योंकि यहाँ माइनस है ना ये, इसीलिए यहाँ प्लस आया, अगर प्लस होता तो माइनस आ जाता, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसकी, इसकी और इसकी होगी, प्लस आयोटा a1 b2 + a2 b1, ये वर्चुअल माइनस है क्योंकि बी टू भी माइनस है, इस वक्त वो भी होगी मल्टीप्लीकेशन होगी क्रॉस इसकी और इसकी, तो कर लेना इससे इनके तो होगी ना दोनों की, a1 a2 + b1 b2 रियल पार्ट आएगा, a1 b2 और b2 a1 क्या आया, b2 a1 b2 और b1 a2 क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b² b की जगह क्या है आई बी, तो क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, इसका आएगा आई स्क्वायर की वैल्यू 1 जो प्लस हो जाएगा। इसको अगर हम अलग से लिखते हैं a1 a2 + b1 b2 / a2² + b2² + iota a2 b1 - a1 b2 / a2² + b2, इसे गिव दे कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, सारा रियल है प्लस आई और ये इमेजिनरी पार्ट, तो डिवाइड हम जब करें किसी नंबर से इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके उसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज, रेशनलाइज या करें सरली करें। ठीक, इसके बाद जो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको मैंने कुछ एक दो नियम से रह रहे,
उसका फिर कंजुगेट है, क्या नाम, कंजुगेट मैंने बता दिया, मॉडुलस और आर्गुमेंट। ठीक है, ठीक है, कॉल करनी हो क्या? नीट में पढ़ती है, आई दीदी बहन ने तो अच्छा वो लेकर जाओगे क्या? हाँ मैं पूछना चल लूँगा। मोबाइल नंबर क्या है? 97 97 20 25 17 भाई।